फ्रेंड्स, मनोरमा किचन में आपका स्वागत है। तो आज मेरे किचन में बनेगा गरम मसाला एकदम फ्रेश। तो ये देखिए गरम मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं गरम मसाला बनाना। तो गरम मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है जावेत्री, ये देखिए एक दो चम्मच होगा। बड़ी इलायची लिया है, एक काली मिर्च लिया है बड़ी चम्मच, और ये मैंने दो पिपली लिया है, तेज़पत्ता लिया है, जायफल लिया है, दालचीनी लिया है, लौंग लिया है, तो ये स्टार एनीस लिया है, और एक कटोरी मैंने ये जीरा लिया है। तो ये सबको हम पीस लेते हैं। जीरा डाल देंगे, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जीरा होना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा गरम मसाला घर का। और फिर ये हम दालचीनी लेंगे, तेज़पत्ता लेंगे। ये सारा मैंने धूप में दो दिन अच्छे से सुखाया है। इसे धूप में सुखा के कोई सेकने की, कोई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ऐसे ही पीस लीजिए। ये जायफल लिया है, ये देखिए दो है, अगर ज़्यादा लग रहा तो एक डालिए। तो हम सब ये डाल देते हैं। ये देखिए सारे हमने गरम मसाला इसमें डाल दिया। अब इसको हम पीस लेते हैं अच्छे से, बारीक एकदम पीस के दिखाते हैं आपको। तो चलिए गरम मसाला देख लेते हैं। ये देखिए गरम मसाला पीस गया, ये देखिए एकदम फ्रेश घर का गरम मसाला। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं गरम मसाला को। ये देखिए एकदम फ्रेश गरम मसाला घर का। ये देखिए सारा हम ऐसे मसाला घर में बना के स्टोर करके रख लेते हैं, कुछ भी घर बाहर से नहीं मंगाते हैं। तो आप भी घर में बनाइए एकदम फ्रेश गरम मसाला। ये देखिए घर में थोड़े से ही सामान से बहुत सारा गरम मसाला ये देखिए बन गया सारा। ये देखिए तो आप भी ऐसे घर में मसाला बनाइए। ये देखिए मैंने पीस दिया, आराम से 6 महीना ये चल जाएगा मेरा गरम मसाला। तो हम ऐसे घर में पीस लेते हैं गरम मसाला और 6 महीना तक इसे स्टोर करके रख देते हैं, 6 महीना चलाते हैं। ये देखिए अगर गरम मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। देखिए मैंने गरम मसाला बना लिया। अगर गरम मसाला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।